आज हम बनाएंगे तंदूरी आलू, जो बहुत ही इजी है। लॉकडाउन स्पेशल ये रेसिपी कोई भी किसी भी टाइम पे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें यूज करने वाले सब कुछ हमारे घर पे इजीली मिल जाती है। और आज हम तंदूर बनाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको तैयार करना है। सबसे पहले हम आलू को धो लेंगे। यहाँ पे 400 ग्राम आलू है। आलू को हम ऐसे छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। और अब हम इसको बॉयल करेंगे। कढ़ाई में पानी डाल के इसमें आलू डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और इसको थोड़ी सी चला के ढक के छोड़ देंगे। फिर इसी टाइम पे हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले पैन में 5 ग्राम चना दाल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड, स्वाद के अनुसार ब्लैक पेपर, गरम मसाला, 3 कार्डमम, 3 क्लोव्स, 1 सिनेमन स्टिक, 2 हॉट रेड चिली, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड एंड 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। जब इसमें से फ्लेवर आने लगेगी तब हम इसको निकाल लेंगे और ठंड होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी आलू भी बॉयल हो चुके हैं। आलू को हमें ओवर कुक नहीं करना है, 15 मिनट के अंदर ही ये पक जाएगा। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से छान लेंगे और ठंड होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसी टाइम पे हम मसाला ग्राइंड कर लेंगे और इसमें कलर के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून रॉ क्यूमिन पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और फिर इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इस मसाला को आप 10 से 15 दिन तक कोई भी एयरटाइट जार में स्टोर कर सकते हैं और कोई भी तंदूर डिश बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी आलू ठंड हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली एंड अनियन पेस्ट। ग्रीन चिली आप आपके स्वाद के अनुसार डालें। फिर डालेंगे 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, फिर 1 लेमन को स्क्वीज करके डाल देंगे और इन सभी चीजों को हल्का हाथों से मिलाएंगे। और हमें आलू को टेस्ट करके देख लेना है, अगर नमक चाहे तो डालेंगे। मुझे और नमक की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मिल चुके हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 10 मिनट एक पैन में 1/2 कप ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होते ही हम उसमें हमारे आलू को छोड़ देंगे। हमारी आलू पहले से ही कुक्ड है, इसीलिए हमें ज्यादा टाइम इसको पकाना नहीं है। सिर्फ हाई फ्लेम में इसकी चारी ओर हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, 2 मिनट के अंदर ही हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और आलू को एक फोक की मदद से उठा के दूसरी ओवन में तंदूर कर लेंगे। बहुत ज्यादा टाइम इसको नहीं रखना है, सिर्फ 2 सेकंड रख के निकल लेंगे। देखिए, बहुत ही इजी तंदूर रेसिपी है और आप चाहे तो ऑयल से निकल के भी परोस सकते हैं और इसके ऊपर कोरिएंडर लीफ डाल के इसको कोई भी सॉस के साथ परोसेंगे और खाने के टाइम हम इसके ऊपर थोड़ी सी लेमन स्क्वीज कर लेंगे और मुंह में डाल देंगे। शतुरमुर्ग मिश्री की हर एक रेसिपी डिटेल में जानने के लिए आप हमारी ब्लॉग चेक कर सकते हैं। हमारे बारे में और जानने के लिए आप हमें इंस्टा पेज में फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमेशा की तरह अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमसे कुछ कहना हो तो कमेंट कीजिए और ऐसे आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। शेयर करना ना भूलें।